ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحمين आप हजरात नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مكرم و محترم بزرگ حضرات اهل محلہ نوجوان ساتھیوں طلباء अल्हम्दुलिल्लाह रबी अव्वल के महीने की बरकतों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का उन्वान चल रहा है और हमने आपसे कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ सीरत के पहलुओं की आपकी ज़ाती ज़िंदगी आपके अखलाक आपके आदात आपकी खानगी ज़िंदगी घरेलू ज़िंदगी आपकी माशरती ज़िंदगी आपके मामलाती ज़िंदगी आपकी मुआशी ज़िंदगी आपकी सियासी ज़िंदगी मुख्तलिफ पहलुओं में वक्तन फ़वक्तन हम गुफ्तगू करेंगे और जहाँ हालात के तबार से कोई ख़ास वाक़िया आ गया तो इंशाअल्लाह वो जुमा फिर उसी हवाले से करेंगे। हकीकत यह है कि अगर किसी को उम्र नूह भी मिल जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान मुकम्मल नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मौलाना अबू कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम आलिया उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं एक दफ़ा मदीने मुनव्वरा ज़ादहुल्लाहु शर्फ़न व तअज़ीमा के सफ़र पर था तो वहाँ एक सीरत लाइब्रेरी में मेरा जाना हुआ, यानी नबी अकरम की सीरत पर जो कुतुब हैं वो उस लाइब्रेरी में जमा की गई थी। वहाँ मैंने मिस्र का एक बहुत बड़ा मदरसा और कदीम तरीन मदारस में इसका शुमार होता है जामिया अजहर, आपने भी नाम सुना होगा। तो जामिया अजहर के एक प्रोफेसर थे दक्तूर डॉक्टर अब्दुल जब्बार अर्रफाई, उनका एक दक्तूरा वहाँ था यानी डॉक्टरेट मकाला एक वहाँ मौजूद था जो 18 जिल्दों पर मुश्तमिल था और उस 18 जिल्दों की किताब में उन्होंने अब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो दुनिया भर में किताबें लिखी गई है किस ज़ुबान में है किसने लिखी है किस जगह पर लिखी गई है कितनी जिल्दों में है कब छपी है छप गई है अभी तक छपी नहीं है उस सब को अपनी ताकत के मुताबिक जमा किया था कि कितनी किताब है। तो कहते मैंने 18वीं जिल्द में जब आखिरी नंबर खोला ना 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल अल्फा भाई 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल की तरतीब से कि एक नंबर पर ये किताब है 2 नंबर पर ये किताब है 3 नंबर पर ये 4 नंबर पर ये, तो जब मैंने आखिरी किताब का नंबर शुमार निकाला तो किताबों की तादाद 29,774 बनती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अब तक 29,774 किताबें, वो भी उनकी मालूमात के मुताबिक, इसलिए कि पूरी दुनिया का इहाता तो कोई नहीं कर सकता ना, 29,774 किताबें लिखी गई थी जिनमें से एक किताब 55 जिल्दों पर भी है, 55 जिल्दों पर भी, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो सबसे बड़ी किताब है वो 2 किताबें हैं, एक तो मोहम्मद यूसुफ सालही शाफी की जो मिल जाती है सुबुल हुदा व रशाद, एक बड़ी किताब है, और इसके अलावा अलामा ज़ुरकानी की शरा मवाहिबुल दुनिया,
जो अलामा कुस्तुल्लानी की जो किताब है अलमवाहिबुल्लदुनिया बिमिनहिल मुहम्मदिया, सिर्फ की किताब अरबी में, इसकी शरह है, ये इस वक्त बड़ी किताब है, लिखे कि सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन शरीफेन आपके जूते मुबारक इनकी सिफात पर खसूसियात पर 55 किताबें लिखी गई है। तो पूरी जात और पूरी सीरत तो शुमार में नहीं है। तो इसलिए हुजूर की सीरत और कमालात, आपके खसाइस, आपके आदात, वो तो ज़ाहिर है हमारी ताकत से बाहर है, लेकिन जितना अल्लाह तौफीक देगा हम उसके मुताबिक उसको वक्तन फ़ौक्तन जिक्र करते रहेंगे, ताकि एक हमें ज़ौक व शौक़ हो और जो नबी की तालीमात है उस पर अमल करने का दाइया दिल में पैदा हो। तो पिछले जुमा में जिक्र चल रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा गया सातवें दिन मोहम्मद। आपके दो नाम है, मोहम्मद और अहमद, जाती नाम। ये मोहम्मद का जो माना है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो, बहुत ज़्यादा, ज़मीन और आसमान, आसमान के फरिश्ते भी जिसकी तारीफ में हो, जिसकी तारीफ में अल्लाह खुद है, तो औरों का क्या सवाल। आसमान के फरिश्ते जिसकी तारीफ कर रहे हों, जमीन के मखलूकात जिसके गीत गा रहे हों, समंदर की मछलियां, जंगल में जानवर, चलते फिरते दरख्त, चरिंद परिंद जिसके नगमे गा रहे हों, तो ज़ाहिर है ऐसा शख्स वही हो सकता है जो मोहम्मद कहलाए जाने का मुस्तहिक हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका नाम, और अहमद ये दो आपके जाती नाम है और सिफाती नाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। आदमी के जितने ज्यादा सिफाती नाम होंगे ना उतना ये उसकी अजमत की अलामत है। देखो ना, एक आपका नाम है, एक मेरा नाम है जी साजिद साहब, इसके साथ मेरी सिफत आलिम, फिर मुफ्ती, फिर फलां, फिर फलां, फिर तो जितनी सिफाती नाम पढ़ते जाएंगे उतना अजमत बढ़ती जाएगी। भाई मामूली आदमी नहीं है, बड़ा आदमी है। तो सिफाती नाम का ज्यादा होना ये साहिब मुसम्मा की अजमत की दलील है। तो ये दो मोहम्मद और अहमद तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम थे, जाती नाम थे। जो सिफाती नाम है, अल्लाहु अकबर, आपने तो पढ़े होंगे कि सिर्फ 99 नाम है, जैसे अल्लाह के सिफाती नाम 99 हैं, हुजूर के भी सिफाती नाम 99 है, ये भी ये पूरी तादाद नहीं है। बास किताबों में लिखा गया कि अल्लाह के सिफाती नाम 3000 है, 3000, 1000 जमीन वालों के लिए, 1000 आसमान वालों के लिए और 1000 आखरत वालों के लिए। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के बारे में अलामा जुरकानी रहमतुल्लाह ने शरा मवाहिबुल्लदुनिया जो सीधी की किताब अभी मैंने हवाला दिया, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाबाई अलिफ बाता इसके तरतीब से 1000 नाम जिक्र किए, 1000 सिफाती नाम, बशीर, नजीर, इस तरह के चलते चले जाए, 1000 सिफाती नाम। और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, मिश्कात की उनकी मशहूर शरह भी है, लमात के नाम से अरबी में भी है, अशियातुल लमात के नाम से फारसी के अंदर भी है, शरह सिफर सादा, तकमीलुल ईमान, मुख्तलिफ किताबें। उनकी सीरत पर एक किताब है मदारिजुन नबुव्वा फारसी में, उर्दू में भी मिल जाती है और फारसी में। उन्होंने भी इसी किताब से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के 600 सिफाती नाम जिक्र किए। तो ये आपके सिफाती नाम है। यहां जरा एक मसला मैंने बयान करना है, अजीब बात आपको बताऊं, इन 1000 नामों में इन दोनों उलमा ने, अलामा जुरकानी रहमतुल्लाह जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मुअत्ता की शरह लिखी है, कोई मामूली आदमी नहीं है, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये भी बहुत बड़ा मुहद्दिस है, इन दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम बा के ज़ेल में, इस किताब में बा के ज़ेल में बशर भी लिखा है कि नबी का एक नाम बशर भी था। हमारे बाज लोग, हमारे भाई, बाज भाई जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहने को या बशर मानने को ना पसंद करते कि नहीं हुजूर तो बशर नहीं थे, ये तो हुजूर की गुस्ताखी है, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर बशर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन होती, उनको बशर मानना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन होती, कुरान कभी आपको इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम ना कहता, कुरान कभी आपको सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरन रसूला कभी ना कहता,
आपने खुद एक हदीस में फरमाया, इन्नमा अना बशरुन अनसा कमा तनसौना फइजा नसीतू फज़क्किरूनी, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, कोई 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 नूरी मखलूक नहीं हूं या कोई खुदाई सिफात का हामिल नहीं हूं। हां नबी हूं, मेरा मकाम और मर्तबा बहुत है, लेकिन हूं मैं इंसान ही। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहना गुस्ताखी होता, अम्मा आयशा तैयबा ताहिरा सिद्दीका अफीफा आप और हम सब की माँ हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कभी आपको ये ना फरमाती, काना बशर मिनल बशर। ओ अल्लाह के बंदो, कहीं ईसाइयों की तरह गुमराह ना हो जाना, जैसे ईसा अलैहि सलाम के कमालात देकर ईसा अलैहि सलाम के बशर होने के इंसान होने के मुनकिर होकर उन्हें खुदा मान लिया, कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात देखकर कमालात देखकर अजमत देखकर रुतबा देखकर एजाज देखकर उनकी इंसानियत के मुनकिर ना हो जाना। वो है इंसान, लेकिन अल्लाह ने मकाम और मर्तबा ये दे दिया। और आपको अजीब बात बताऊं, मैं मेरी समझ में नहीं आता कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानने में गुस्ताखी मानते हैं या तोहीन मानते हैं, क्यों मानते हैं? हालांकि हकीकत यह है कि नबी को बशर मानकर उनके लिए सिफात मानना, उनके रुतबे का इकरार करना है, उनके मकाम का इकरार करना है। बशर मान के ये तमाम सिफात मानोगे रसूलुल्लाह के लिए, तब जाके उनके एजाज और इज्जत और अजमत का इकरार होगा। अगर नूरी मखलूक मान के सारी चीजें मानो, ये उनके लिए फिर वो अजमत और वो रिफत नहीं बनती। कैसे समझाता हूं मैं, मिसाल से समझो। देखो लाइट है ना, लाइट ये आपकी मजे में लाइट लगी हुई है, ये लाइट रोजाना जलती है बचती है, इसमें से रोशनी निकलती है, किसी को हैरत नहीं हुई, ये लाइट की ड्यूटी है, लाइट का काम यही है। तो इससे जलना है बुझना है किसी को हैरत है। लेकिन कोई नमाजी आ रहा हो, उसके चेहरे से नूर निकल रहा हो, उसके दांतों से नूर निकल रहा हो, उसकी बगल से नूर निकल रहा हो, आप हैरान होंगे, भाई ये तो कोई बड़ा आदमी लग रहा है, कोई बुजुर्ग लग रहा है। इसलिए कि इंसान के से बजाहिर चेहरे से रोशनी निकल, इसी तरह मेरे भाई कोई परिंदा उड़ रहा हो या कोई चीज उड़ रहा हो या कोई जहाज उड़ रहा हो, आप इसको हैरत से नहीं देखेंगे, इसलिए कि इसका काम इसकी ड्यूटी है। लेकिन इंसान और हवा में चलने लग जाए, इंसान और हवा में उड़ने लग जाए, मछली है, मछली पानी पर तैर रही है, आपको हैरत नहीं होगी, इसलिए कि इस मछली की ड्यूटी है, इसकी सिफत है, तो ये हैरत की बात नहीं है। लेकिन एक इंसान पानी में तैर रहा हो, एक इंसान होकर पानी में जिंदा हो, ये कमाल बनता है, ये अजमत बनती है, ये हैरत बनती है। तो कहना यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानकर जब आप ये उनकी सिफात मानेंगे, कमाल तब बनेगा। नूर मानकर अगर सिफात मानेंगे तो वो कमाल नहीं बनेगा। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन चांद की तरफ इशारा करे, चांद दो टुकड़े हो जाए। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन पैदाइश हो रही है तो सितारे आसमानों से नीचे झुक झुक कर आ रहे हैं। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन पैदाइश के वक्त किसरा क्या, किसरा की वो आग जो हजारों सालों से जल रही है, ईरान का वो आतिशकदा जो हजारों सालों से जल रहा है, वो बुझ जाए। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन आपकी सिफाती नूर आपके कमाल से शाम और बुसरा रोशन हो जाए। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन पानी में उंगलियां डाले तो पानी उंगलियों से अल्लाह चश्मे जारी कर दे। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन जब कुछ खाए पिए तो उस खाने पीने से जो बोल बरास हो उससे मुश्क अंबर की तरह खुशबू निकल आए। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन पसीने से ऐसी खुशबू निकलती थी कि सहाबा फरमाते थे कि जिस गली से गुजरते थे हम खुशबू से पहचान लेते थे कि इस गली से हमारा सरकार गुजरा है, इस गली से महबूब गुजरा है, इस गली से कायनात का सरदार गुजरा है, इस गली से आमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। और एक कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन जिस रास्ते से गुजर रहे हैं दरख्त आप पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन बशर होकर जानवर आपकी बारगाह में आते हैं, आपके कदमों में सर रखते हैं और अपने गिले शिकवे मालिकों के आपसे करते हैं। कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन सर के ऊपर बादल साया फगन हो। कमाल तो यह है कि हो बशर, कमाल तो यह है कि हो बशर लेकिन अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेकर आता है, वो कंकरियां बोल पड़ती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कमाल तो यह है कि हो बशर, हो इंसान, हो तो बशर हो तो इंसान, लेकिन मेराज वाली
हजरात, मदीना नीचे रह गया, बेतुल्ला नीचे रह गया, सारे अंबिया नीचे रह गए, पहला आसमान नीचे रह गया, दूसरा आसमान नीचे रह गया, तीसरा आसमान नीचे रह गया, चौथा आसमान नीचे रह गया, पांचवा आसमान नीचे रह गया, छठा आसमान नीचे रह गया, सातवां आसमान नीचे रह गया, सारी कायनात नीचे रह गई, सारे अजमतों वाले नीचे रह गए, सारे रिफतों वाले नीचे रह गए, सारे महबूब नीचे रह गए, सारे बड़े नीचे रह गए, सारे सरदार नीचे रह गए। अब एक नूरी का सरदार जिब्राइल है और एक कायनात का सरदार मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा है। कमाल तो यह है कि बशर होकर नूरियों का सरदार जिब्राइल कहता है, ए मेरे महबूब, ए मोहम्मद मुस्तफा, ए अहमद मुस्तफा, इससे आगे अगर मैं एक कदम भी बढ़ाऊं, इससे आगे अगर मैं एक कदम भी आगे जाऊं, मेरे 600 पर अल्लाह के नूर से, अल्लाह के जमाल से, अल्लाह की तजल्ली से जल जाए, मैं खाकिस्तर हो जाऊं। और जहां नूरियों का सफर रुक जाता है, कमाल तो यह है कि मेरे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा का सफर बशर होकर वहां से शुरू होता है। ये कमाल है। इसीलिए इमाम बोसीरी रे मौला ने फरमाया, वो इमाम बोसीरी जिनके इस कसीदे बुर्दा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, उस कसीदे बुर्दा में फरमाते, मोहम्मदुन बशरुन लाकल बशरी याकूतु हजरुन लाकल हजरी। लोगो कान खोल कर सुन लो, मोहम्मद इन तमाम अजमतों के बाद, इन तमाम रिफतों के बाद, इन तमाम एजाजात के बाद, इन तमाम कमालात के बाद, कान खोल कर सुन लेना, कई ईसाइयों की तरह, कई यहूदियों की तरह उन्हें खुदा मत बना देना, उनकी इंसानियत के मुनकिर ना हो जाना, उनके बशर होने के मुनकिर ना हो जाना। इन तमाम कमालात के बाद, इन तमाम रिफतों के बाद, इन तमाम इज्जतों के बाद, वो है बशर, वो है इंसान, जैसे याकूत है। याकूत भी पत्थर है, लेकिन कोई याकूत की खूबसूरती को देखकर, कोई याकूत की रानाई को देखकर, कोई याकूत की सुर्खी को देखकर, कोई याकूत की कीमत को देखकर इसके पत्थर होने का मुनकिर हो जाए, यह भी बेवकूफ है। और याकूत को महज एक पत्थर समझता है, यह भी बेवकूफ है। इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को देखकर, आपकी रिफतों को देखकर, आपकी अजमतों को देखकर, आपकी सिफात को देखकर, आपके अखलाक को देखकर, आपके बशर होने का मुनकिर हो जाए, आपको खुदा समझने लग जाए, या कोई नूरी मखलूक समझने लग जाए, या कोई खुदाई सिफात आपके लिए साबित करने लग जाए, यह भी बेवकूफ है। और आपको अपनी आंखों से बशर देख रहा है, आपको खाता देख रहा है, आपको पीता देख रहा है, आपको चलता देख रहा है, आपको शादी ब्याह करते हुए देख रहा है, आपको लोगों से मामलात करते हुए देख रहा है, आपको तिजारत करते हुए देख रहा है, आपको रात को सोते हुए देख रहा है, आपको चलते हुए देख रहा है, यह देखकर महज कोई आपको बशर मान ले, यह भी बेवकूफ है। खुदा की कसम, आप बशर ही हैं, लेकिन आम बशरों की तरह ना, आपकी रिफत के मुकाबिल कोई नहीं, आपके कमाल के मुकाबिल कोई नहीं, आपकी अजमतों के मुकाबिल कोई नहीं। आप है बशर, लेकिन अल्लाह के सबसे महबूब है। आप है बशर, लेकिन अल्लाह की मखलूक में सबसे आला है। आप है बशर, लेकिन अल्लाह की मखलूक में सबसे अरफा है। इसीलिए फरमाया, मोहम्मदुन बशरुन लाकल बशरी याकूतु हजरुन लाकल हजरी। मोहम्मद बशर तो है, लेकिन आम हम जैसे बशर नहीं। याकूत भी पत्थर है, लेकिन आम पत्थरों की तरह नहीं। तो ये यहां से मैं मसला निकाला कि हुजूर के नामों में से एक नाम बशर भी है, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम को बशर समझना ना गुस्ताखी है, बल्कि ऐन कुरान के मुताबिक है, ऐन हदीस के मुताबिक है। और आपको बशर मानकर आपके लिए सारे कमालात मानना ही ऐन ईमान है। ये मसला समझ आया कि नहीं है? आगे हम चलते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने बताया कि अब्दुल मुत्तलिब ने सातवें दिन अकीका किया, नाम भी रखा और अकीका भी किया। एक और मसला यहां हुजूर की फजीलत के, हुजूर अलैहिस्सलाम मख्तून पैदा हुए, यानी आपका खतना पहले से हुआ था। अलामा सुयूती रहमतुल्लाह ने खसाइस कुबरा के अंदर इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में शुमार किया है कि ये हुजूर की खुसूसियत थी कि आप मख्तून पैदा हुए थे, आपका खतना पहले से हो चुका था। लेकिन अलामा हलबी ने सीरत हलबिया के अंदर लिखा है कि ये नबी अकरम का एजाज तो था, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हुजूर की खुसूसियत नहीं थी, इसलिए कि आपसे पहले भी चंद लोग ऐसे अरब में पैदा हुए थे जिनका खतना हो चुका था, वो मख्तून शुदा पैदा हुए थे। और सही बात भी यही है। हमारे एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती एहसान साहब, यहाँ अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर वो इमाम है, उनके एक मुक्तदियों का नाम उमेर है, उमेर, उनके दो बच्चे पैदा हुए, दो बच्चे।
تو دونوں بچے مختون شدہ تھے, ان کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا. وہ بڑے پریشان ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا بھائی اس کا ختنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, پہلے سے مختون شدہ ہے. تو ایک کا نام انہوں نے محمد رکھا اور ایک کا نام احمد رکھا. تو بعد میں مفتی صاحب نے کہا جب اللہ نے اتنی بڑی برکت دے ہی دی کہ مختون شدہ بچے پیدا ہوئے تو ان کو عالم اور حافظ بنانا, تو نے کہا بے غم رہے, انشاءاللہ میں ان دونوں کو عالم اور حافظ بناؤں گا. تو اس لیے ختنہ شدہ ہونا نبی کا بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن ان کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ کی برکت سے بعد میں آپ کی امتی بھی ختنہ شدہ پیدا ہو سکتے. تو ساتویں دن عقیقہ کیا. یہاں عقیقے کے بارے میں ذرا مسئلہ سمجھے, یہاں پر بھی ہم بہت گڑبڑ کرتے ہیں. عقیقہ یہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر بھی رواج تھا, وہ عقیقہ کرتے تھے, لیکن اس میں کچھ غلط باتیں در آئی تھی. مثلا وہ بچے کے لیے جب جانور ذبح کرتے تھے تو جو جانور کا خون تھا وہ اس کے سر پہ لگاتے تھے. عرب لوگ یہ جنگجو لوگ تھے, جنگلی لوگ تھے, جانور تھے اسلام سے پہلے. تو ان کی نیت یہ تھی کہ اس کے اوپر جانور کے سر کا خون ہوگا تو ہمارا بچہ بھی خون خوار ہوگا. کہتے نا سر پہ خون چڑھا ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے, اس کے سر پہ خون چڑھا ہوا ہے تو یہ خون خوار ہوگا, جنگجو ہوگا, یہ لڑے گا, لوگ کو مارے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری رسم کو ختم کیا اور اس کی جگہ کیا کہا کہ جب بچے کے بال کاٹ لو اس کے سر پہ خوشبو لگا لو. اب اسلام آ گیا ہے, اب قتل و غارت گری کی بدبودار خون کی چھینٹیں دنیا پہ نہیں لگیں گی, اب یہاں امن کی خوشبو پھیلے گی, یہاں آشتی کی خوشبو پھیلے گی, یہاں بھائی چارے کی خوشبو پھیلے گی. اس کے سر پہ خوشبو لگا کر یہ تاثر دو کہ اس بندے نے اس دنیا میں آ کر قتل و غارت گری نہیں کرنا بلکہ امن کی خوشبو عام کرنی ہے, قرآن کی تعلیمات کی خوشبو عام کرنی ہے, نبی کی سنت کی خوشبو عام کرنی ہے. تو عقیقہ کرنا مسنون ہے. عقیقہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا تو ساتویں دن آپ پہلا کام کریں اس کا نام رکھیں ساتویں دن. اس کے بعد اگر اللہ نے طاقت دی ہے اس کے بعد اس کے سر کے بال کٹائیں, جو سر پہ بال ہے وہ آپ کاٹ لیں, اور جناب جی اس کو کسی کاغذ وغیرہ کسی کپڑے میں بند کر کے سنیارے کے پاس لے جائیں کہ بھائی یہ تول کے مجھے دے دو, یہ کتنے چاندی کے بقدر یہ بال بنتے ہیں. تو جتنا وزن اس کا نکلتا ہے اتنی چاندی کی قیمت جو بنتی ہے وہ صدقہ کر دیا. اور تیسرا کام اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو لڑکے کی طرف سے دو بکرے ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے قرضے مرضے لے کر یا خواہ مخواہ میں یہ چیزیں اگر طاقت دیے تو کرے, نہ تو نہ کرے. ساتویں دن اگر عقیقہ نہ ہو سکا تو چودھویں دن کر لے, فقہ نے لکھے. اگر چودھویں دن بھی نہ ہو سکا تو اکیسویں دن کر لے. اکیسویں دن کے بعد عقیقہ نہیں ہے. بعض لوگ عید الاضحیٰ کے اندر پوچھتے ہیں اگر ہم قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. تو اگر بچہ آپ کا ابھی پیدا ہوا ہے, سات دن ہو گئے یا اکیس دن کے اندر اور قربانی اسی دنوں میں آ رہی ہے, یعنی طاق پر رکھنا ہے, جفت پہ نہیں رکھنا, سات چودہ اور اس کے بعد اکیس, اس طرح, تو اچھی بات ہے آپ کریں. اور اگر نہیں تو یہ عقیقہ نہیں ہے, یہ صدقہ ہے. صدقہ ہے لیکن عقیقہ نہیں ہے, اور اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے الولد مرہون بعقیقتہ, اللہ اس بچے کو عقیقے کی برکت سے مصیبت اور بلاؤں سے بچاتا ہے. اگر آپ بچے کا عقیقہ کر دے بچے کی طرح, یہ اقا یا اکو کاٹنے سے, یہ عقیقہ کاٹنے تو چونکہ اس میں بھی بچے کے بال کاٹے جاتے ہیں اور جانور کو کاٹا جاتا ہے تب اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. تو اگر بچے کا عقیقہ کر دیا جائے تو اللہ اس بچے کو جو مصیبتیں ہوتی ہیں, جو مصائب ہوتے ہیں, جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بچاتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے عقیقہ نہیں ہو سکا, بعد میں آپ اس کی طرف سے کوئی جانور دینا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, عقیقہ تو نہیں ہوگا لیکن صدقہ ہوگا, اور صدقہ تو ظاہر سی بات ہے ہر حال میں بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. اور علماء نے اس کا تجربہ بھی کیا کہ جس بچے کا عقیقہ دے دیا جاتا ہے وہ اس کے مقابلے میں جس کا عقیقہ نہیں ہوتا مصیبتوں بلاؤ پریشانیوں سے وہ محفوظ ہوتا ہے. تو یہ باقی ختنہ ہے. ختنہ آپ جب آپ مناسب سمجھے, بچہ صحت مند ہے, ڈاکٹر نے اجازت دی ہوئی ہے, ختنہ آپ ساتویں دن کرنا چاہتے ہیں, ساتویں دن کے بعد کرنا چاہتے ہیں, جتنا جلد سے جلد ہو سکے. ہمارے یہاں بعض رواج ہے جو بالکل غلط رواج ہے, بعض ہماری قوموں میں خاص کر ہمارے پٹھانوں میں, کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے بالغ ہو جاتا ہے. میں جب چھوٹا تھا تو ایک بڑا لڑکا قریباً 10-12 سال کا ہوگا, تو وہ بیچارہ پریشان تھا, کیا ہوا جی آج میرا ختنہ ہوگا, میں خود حیران ہوگا کہتے. تو یہ رواج غلط ہے, اتنے بڑے بڑے بچوں کا آپ جو ہے نا ختنہ کرنے, بالغ ہونے سے پہلے پہلے آپ جتنا جلد سے ہو سکے, اگر بچہ صحت مند اور ختنہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, تو آپ اس کا ختنہ کروا دیں. تو یہ عقیقہ اور ختنے کا مسئلہ واضح ہو گیا. اگلی بات, اچھا ایک اور بات, عقیقہ دیکھیں نا, عقیقہ آپ نبی کی تعلیمات پر کر رہے ہیں, قربانی آپ نبی کی تعلیمات پر کر رہے ہیں, خوشی منا ہے, خوشی سے منا نہیں ہے, تو یہ ڈم ڈول کس کی تعلیمات پر ہو رہا ہے؟
अकीके का यह मतलब नहीं कि दुनिया जहां के मरासिया बुला ले, दुनिया जहां के नाच गाने वाले बुला ले, बड़े बड़े डेग लगाए हुए और पूरे मोहल्ले वालों के पूरी गली वाले के नाक में दम किया, फिर कहते बच्चा नाफरमान हो गया, फिर कहते बच्चा माँ बाप की मानता नहीं, फिर कहते बच्चा आवारा, तूने इसकी पैदाइश पर आवारगी की, तूने इसकी पैदाइश पर अल्लाह की बगावत की, तूने इसकी पैदाइश पर अल्लाह की नाफरमानी की, अब बच्चा तेरा बागी हो गया तो गिला मत कर, ये तेरा अपना मसला है। उलमा इसके असरात होते हैं, एक तहनीक आता है, तहनीक मुस्तहब है सुन्नत में से। तहनीक किसे कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बच्चे लाए जाते थे, छोटे बच्चे, तो आप क्या करते थे, खजूर लेते थे, कोई मीठी सी चीज खजूर, वो अपने मुंह में चबाते थे और उसकी मिठास, इस खजूर तो छोटे बच्चे को नहीं दे सकते, खराब हो जाएगा, उसका जो लुआब दान है मिठास वगैरह, वो इस बच्चे की जुबान पर चकाते थे। आज भी ऐसा करना चाहिए कि बच्चा आपका पैदा हो गया, किसी अच्छे बुजुर्ग, किसी नेक आदमी के पास लेकर जाए, आलिम हो, हाफिज हो, बुजुर्ग, अल्लाह वाला हो, वो इसकी तहनीक करे, कोई भी मीठी सी चीज मुंह में चबाए और इस बच्चे की जुबान पर उस थूक को या उस लुआब को रगड़ ले, उसकी मिठास महसूस करे। उलमा ने इसकी वजह ये लिखी है कि इस अमल से इस नेक आदमी की असरात इस बच्चे में आ जाएंगे, ये बच्चा भी बड़ा होकर नेक बनेगा। तो देखे बच्चे पर असरात मुरतब होते हैं, तो अब आप उसके पैदाइश पर बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के, अल्लाह के सामने सर पर सजूद होने के और अल्लाह से दुआ मांगने के, अल्लाह इसे अपना फरमा बरदार बना दे, उल्टा माँ बाप डम बने हुए, उल्टे माँ बाप ने मरास्तों और डमतोप शुरू किया हुआ है, ये बिल्कुल भी इसकी जात नहीं है। अकीके के दौरान वैसे जिंदगी में तो वैसे भी इजाजत नहीं है डम डोल की और नाच गाने की और ये फजूलियात की, वैसी हराम है, नाजायज है। फरमाया जो इस दुनिया में गाने सुनते हैं अल्लाह क्यामत उनके कानों में इस पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। आज मोमबत्ती, मोमबत्ती की आग जरा यहां लगाना, जरा मैं देखता हूं कैसे बर्दाश्त करते हो, तो फिर ये क्यामत के सीसे तुम फिर बर्दाश्त करके दिखाओ। एक 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 बुजुर्ग एक एक तालिब इलम था, उसे किसी औरत ने जिना की तरह मुतवज्जे किया, वो बेचारा पढ़ रहा था, औरत खूबसूरत थी तो उसको जिना की तरह मुतवज्जे किया, साथ मोमबत्ती चराग जल रहा था, वो बच्चे जहर इंसान है दिल में तो आ जाता है, उस बच्चे के दिल में भी आया, लेकिन वो उस चराग उस मोमबत्ती में अपनी उंगली डालता और उफ यूं करके वापस कर देता, फिर उंगली डालता फिर उफ करके वापस कर देता। औरत ने कहा भाई खैर तो है, मैं तुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करती हूं और तू ये बेवकूफाना हरकत कर रहा है कि बार बार चराग के अंदर अपनी उंगली डालता है, बार बार मोमबत्ती के अंदर अपनी उंगली डालता और फिर पीछे करता है। उस बच्चे ने, अल्लाह वाला कोई बच्चा था, उस बच्चे ने अजीब जवाब दिया, बीवी ये जो तू जिस काम के लिए मुझे मुतवज्जे कर रही है, जो गलत और गंदा काम मुझसे करना चाह रही है, हूं तो मैं भी इंसान, शैतान साथ लगा हुआ है, मेरा दिल भी ये काम करने को कर रहा है, लेकिन इस चराग के अंदर, इस मोमबत्ती के अंदर मैं उंगली इसलिए आगे कर रहा हूं कि आया ये आग बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं इस आग, इस मामूली सी लू के अंदर, इस चराग की मामूली सी लू, इस मोमबत्ती की मामूली सी लू के अंदर उंगली डालता हूं, मुझसे ये लू, ये आग बर्दाश्त नहीं होती है, मैं इस दुनिया में इस मामूली सी आग को बर्दाश्त नहीं कर पाऊं, तेरे साथ जिना करके उस आग को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा जो इस आग से 70 दर्जे ज्यादा गर्म है, जो खुद जल जल के काली हो चुकी है, जहन्नम की आग खुद जल जल के काली हो चुकी है, वो इतनी सख्त आग है, ये दुनिया की आग से 70 दर्जे ज्यादा गर्म आग है। तो ये जो गाने बाजे सुनते हैं, ये क्यामत के दिन इनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा और वो शीशा भी जहन्नम का शीशा होगा, दुनिया का शीशा ना होगा। इसलिए अल्लाह ने बेटा दिया है अब्दुल मुत्तलिब काफिर और मुशरिक होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, अकीके पर डोल डमक्का नहीं करते, नाच गाने नहीं करते, खुराफात नहीं करते। कितनी बदबख्ती की अलामत हमारे लिए है कि हम उस नबी के नाम लेवा, उस नबी के इश्क के दावे करने वाले, उस नबी की सुन्नतों पर चलने के दावे करने वाले, उस नबी के साथ यारी और दोस्ती के दावे करने वाले, हमारे घर में कोई बच्चा होता है, हम उस सबसे पहला जो काम करते उस नबी की तालीमात को पामाल करते, उसके तरीकों को पामाल करते, उसकी सुन्नतों को पामाल करते हैं, अपनी भी आखिरत बर्बाद करते हैं और जो आने वाला मासूम बच्चा है इसकी दुनिया और आखिरत भी बर्बाद करते हैं। इसलिए आप अकीका करें, यह मुस्तहब है, सुन्नत है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक करें। तो ये सातवें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका हुआ और अब चुके वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह मजीद आगे हम ऐसा ऐसा मजीद आगे उसको लेकर चलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक ऐलान सुन लें,